कितनी मस्त लग रही है ना ये करारी भिंडी, और एकदम कड़कड़ की आवाज़ में टूट भी रही है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी करारी कुरकुरी भिंडी बनी है। इसके लिए आप भिंडी लीजिए और एक भिंडी को चार पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इस तरह देखिए आप चार पार्ट में एक भिंडी को डिवाइड कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डीप फ्राई के हिसाब से तेल डालेंगे। एक बर्तन में भिंडी लेकर उसमें करीब 2 चम्मच बेसन डालेंगे, साथ ही 2 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो अमचूर पाउडर 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब 1 चम्मच चावल का आटा डालेंगे। यदि चावल का आटा नहीं है तो आप मक्के का आटा या कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नीचे जो बेसन रह गया है कोशिश करें वो भी इस भिंडी पर चिपक जाए। आप चाहें तो दोनों हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं। अब तुरंत ही हम इन भिंडी को गरम तेल में डालेंगे। तेल अच्छा गरम होना चाहिए और ध्यान रहे भिंडी इस तेल में प्रॉपर डूब जाए। इस तरह झारी से आप भिंडी को सेट कर लें तेल के अंदर। अब हम करीब 1 चम्मच के आसपास तेल में नमक डालेंगे। भिंडी को बार बार हिलाएंगे नहीं, बस उतनी ही बार हिलाएंगे जितनी बार आपको ऐसा लगे कि अब भिंडी पलटना चाहिए। ये देखिए, देखकर समझ में आ रहा है कि हमारी भिंडी बस अब होने ही वाली है। काफी अच्छा कलर इसका आ गया है, थोड़ा सा कलर और आने देंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर इसका आ गया है। बस इस कलर में हम भिंडी को निकाल लेंगे। भिंडी को निकालने के लिए आप एक टिश्यू पेपर लेंगे, प्लेट में टिश्यू पेपर बिछाएंगे और उसके ऊपर ये भिंडी निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर के ऊपर भिंडी निकालने का फ़ायदा ये रहेगा कि भिंडी में जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर सोक कर लेगा। लग रही है ना बहुत कुरकुरी? ये वाकई में बहुत कुरकुरी बनती है। यदि आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपकी भिंडी भी बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। इस तरह आप जितनी चाहें उतनी भिंडी इसमें डीप फ्राई कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बार और डाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए ये लास्ट की भिंडी है। इसमें आप ऑयल में बेसन बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, सिर्फ ये जो लास्ट लास्ट की भिंडी है, कोशिश करिए कि सिर्फ भिंडी ही कढ़ाई तक जाए, नहीं तो आपका ऑयल खराब हो जाएगा, काफ़ी जला जला और काला ऑयल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ हमारी दूसरी बार की भिंडी भी तैयार है। इसमें एक बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि दूसरी बार भी जब आप भिंडी डालें या तीसरी बार भी आप जब भिंडी डालें तो नमक ज़रूर डालें। अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो 1 चम्मच डाल लीजिए, अगर आपको थोड़ा कम नमक चाहिए है तो 1/2 चम्मच नमक तेल में डाल दीजिए। यहाँ देखिए भिंडी निकल कर बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। और आप चाहें तो थोड़ा सा नमक ऊपर से भी छिड़क सकते हैं।
बट तेल में काफ़ी नमक था तो अब ज़रूरत नहीं है ऊपर से इसमें नमक डालने के लिए। ये देखिए तैयार है हमारी कुरकुरी भिंडी। इसे आप स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। बच्चे इस भिंडी को बहुत पसंद करते हैं। आप भी ट्राई करके देखिए क्या ये सच है।